हेलो गाइस, बात करने वाले हैं शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस के बारे में। इस जोड़ी को कौन नहीं जानता है। बैक टू बैक हर एक सीजन में ये जोड़ी ही कास्ट करी गई है। मतलब आपको कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो से जोड़ी देव और दीक्षित के कैरेक्टर से देखने को मिली थी। इस शो में ये जोड़ी ने कमाल किया था। सीजन फर्स्ट जो था सुपर डुपर हिट गया था। यही वजह रही कि फैंस की डिमांड चलती रही और मेकर शो का सीजन टू भी लेकर आए। इससे पता चलता है कि आपकी हाई डिमांड जब होती है तो मेकर्स डेफिनेटली उस चीज़ को करने पर मजबूर होते हैं और आपको ये जोड़ी दोबारा से सीजन टू में देखने को मिली। और इसके बाद उम्मीद नहीं थी कि शो का सीजन थ्री भी आ जाएगा और वही जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो सीजन थ्री में भी आपको देव दीक्षित और सोनाक्षी बोस देखने को मिले। मतलब एरिका और शहीद की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिली और पॉपुलर कैरेक्टर रहा था इनका, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस जोड़ी को प्यार दिया। लेकिन सीजन थ्री में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट जो आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, जिस वजह से सीजन थ्री जो रहा वो फ्लॉप रहा। लेकिन शहीद और एरिका को लेकर लगातार डिमांड चल रही है और उम्मीद करी जा रही है कि आपको 2024 में दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। अब ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, आज के टाइम पर बात करें तो वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म के जरिए सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है किसी पॉपुलर जोड़ी को दोबारा से कास्ट करके लेकर आना। वहीं बात करें म्यूज़िक एल्बम के बारे में तो शहीद शेख, जैसा कि आप लोग को पता होगा, गुरमीत चौधरी की तरह ही उनके भी बैक टू बैक सॉन्ग्स निकलते रहते हैं। तो एरिका की बात करें तो डेफिनेटली वो उनके अपोजिट नज़र आ सकती हैं। ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इन दोनों को अगर एक साथ ऑफर जाता है तो डेफिनेटली दोनों एक साथ ज़रूर नज़र आना चाहेंगे अपने फैंस के लिए। तो उम्मीद यही करी जा रही है कि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, इसे उम्मीद करी जा रही है कि का जो है सीजन फोर भी आपको देखने को मिल सकता है नए साल पर, या फिर इन दोनों की जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है। अब किस प्रोजेक्ट के जरिए देखने को मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में क्लियर होगा। लेकिन शहीद शेख और एरिका जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी को अगर फैंस यहाँ पर देख पाएँ दोबारा तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट TRP लेकर आने वाला है और ये मेकर्स के लिए फ़ायदे का सौदा रहने वाला है। देखते हैं कि ये जोड़ी किस तरीके से आपकी जो डिमांड है वो पूरी करती हुई नज़र आएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना एक्साइटमेंट। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।